गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट 5, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है या फिर इस केमिस्ट्री में हम किससे डील करते हैं वो हम इस यूनिट में ब्रीफली करेंगे। तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सरफेस यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है सरफेस फिनोमेनास से। अब आपके सरफेस फिनोमेनास क्या होते हैं बेटा? वो फिनोमेना या फिर वो प्रोसेस जो कि आपके किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर हो रहे, बल्क में नहीं हो रहे, सरफेस के ऊपर हो रहे। जैसे मेटल के सरफेस पे कोई रिएक्शन हो रही है या कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उस टाइप के जो फिनोमेना होंगे जो कि आपके किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे होते हैं, उन्हीं फिनोमेना से डील करती है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा हम सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं, इसमें एक बहुत छोटी सी टर्म है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, जो आपने बहुत बार सुनी होगी, बट उसको ब्रीफली करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वो होती क्या है। ठीक है बेटा, तो पहला हमारा टॉपिक है यहां एब्जॉर्प्शन। तो बेटा एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना। आपने सुना भी होगा अब तक आप केमिस्ट्री या साइंस में कहीं भी एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करे थे, दैट मीन सोखना। बट एग्जैक्टली क्या होता है, कौन किसको सोखता है या एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कैसा प्रोसेस है, आज हम वो ब्रीफली करेंगे। तो बेटा एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपका एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर होता है और वो यूनिफॉर्मली उस सब्सटेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हमने कोई स्पंज लिया है, स्पंज का कोई हमने एक टुकड़ा लिया है, क्यूबिकल टुकड़ा लिया है, कोई भी स्पंज का गद्दे में से आपने निकाल लिया है या फिर सोफे में से कोई भी आपने एक स्पंज का टुकड़ा निकाल लिया। ठीक है, अगर उस स्पंज के, आपका स्पंज का टुकड़ा क्या है, एक सब्सटेंस मान लो उसको, अगर आप उस स्पंज के पीस को किस वाटर में डिप करते हो, एक बीकर में आपने वाटर ले लिया है और उस वाटर में अगर आप स्पंज के पीस को डिप कर देते हो और थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ देते हो, तो वहां आपका क्या हो रहा है कि आपका जो वाटर है बेटा वो स्पंज के अंदर धीरे धीरे एंटर करता जा रहा है। ठीक है, और एंटर करने के बाद जैसे जैसे वाटर आपका एंटर कर रहा है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर, दूसरा सब्सटेंस आपका क्या है, स्पंज, पहला सब्सटेंस आपका क्या था, वाटर, तो वाटर आपका एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर रहा है, साथ की साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें जो आपका सब्सटेंस जो एंटर कर रहा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि स्पंज में जो वाटर एंटर हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उस स्पंज में। ऐसा नहीं है कि वाटर कहीं पे तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा स्पंज के अंदर, कहीं पे आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन आपका क्या है, इट इज अ फिनोमेना इन विच वन सब्सटेंस enter into another substance and get uniformly distributed throughout the bulk of that substance. ठीक है, इसके definition देख लेते हैं। तो बेटा absorption क्या है आपका, it is a phenomena in which one substance enters into another substance and gets uniformly distributed throughout the bulk of another substance. ठीक है बेटा, तो देखो आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन एक आपका ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, एक सब्सटेंस कंप्लीटली एंटर हो जाता है दूसरे सब्सटेंस के अंदर, एक सब्सटेंस कंप्लीटली घुस जाता है दूसरे सब्सटेंस में, साथ की साथ आपका क्या होता है, जो सब्सटेंस एंटर हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा,
रहेगा यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा रहेगा। किसके अंदर? बल्क के अंदर। वो जो आपने सब्सटेंस लिया, जो आपने स्पंज लिया है, उसके बल्क के अंदर, उसके अंदर बल्क में, मतलब उसके इनर पार्ट में क्या होगा आपका, जो आपने वाटर एंटर करवाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली होगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो कि आप हिंदी में कहते हो सोखना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे आपका ये स्पंज का पीस लिया है, ठीक है, इसको जब हमने एक बीकर जिसमें आपका वाटर है उसमें अगर हम डिप करते हैं, ये आपका वाटर है, ये आपका स्पंज है, ठीक है बेटा। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये जो आपका स्पंज का पीस था इसमें आपका क्या है, वाटर पार्टिकल्स इक्वली एंटर कर गए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं एक तरीके से, और स्पंज ने पूरी तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के एग्जांपल्स देखें बेटा, तो एवरीडे लाइफ में आपके आसपास बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप चाय पीते हो और चाय में जब आप बिस्किट डिप करते हो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है कि वो जो चाय है वो आपके बिस्किट को गीला कर देती है, और अगर आप ज्यादा देर तक डिप करके रखते हो तो वो बिस्किट का टुकड़ा टूट के चाय में ही गिर जाता है। वहां क्या हो रहा है? वहां पे बेटा आपके एब्जॉर्प्शन ही हो रही है। आपके बिस्किट में क्या हो गया, चाय के पार्टिकल्स आपके एंटर हो गए हैं, वो पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं। तो वहां पे भी आपका कौन सा प्रोसेस होता है? एब्जॉर्प्शन ही प्रोसेस होता है। साथ के साथ अगर आपने देखा होगा कि अगर आप चॉक को थोड़ी देर के लिए अगर आप पानी में डिप करके छोड़ देते हो, तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद आपका पूरा चॉक जो है, चॉक का जो पीस है या पूरा आपने जो चॉक लिया था वो इक्वली क्या हो गया, गीला हो गया। तो वहां पे भी आपका क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। वहां पे भी आपके जो चॉक थे जो पहले बिल्कुल ड्राई थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही आपने उनको वाटर में डाला, चॉक के अंदर क्या हुआ, वाटर पार्टिकल्स एंटर हुए, वाटर पार्टिकल अच्छे से घुस गए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते गए, और पूरे चॉक को उन्होंने क्या कर दिया, वेट कर दिया, ठीक है बेटा। और जो मोस्ट आपने जो मोस्टली देखा होगा वो है गुलाब जामुन, ठीक है। गुलाब जामुन एब्जॉर्प्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप अगर आपके घर में बनता है या फिर किसी हलवाई के पास भी अगर गुलाब जामुन बन रहे, तो आप देख सकते हो कि पहले जब गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो ड्राई होते, ठीक है, उसके बाद वो मीठे भी नहीं होते। उसके बाद क्या किया जाता है, उनको शुगर सिरप में डाला जाता है, चाशनी में डाला जाता है। तो जैसे ही चाशनी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे बेटा आपकी वो जो चाशनी होती है, शुगर सिरप होता है, वो गुलाब जामुन में एंटर होने लग जाता है, और इक्वली धीरे धीरे पूरे गुलाब जामुन के अंदर बल्क में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है किसकी, चाशनी की, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका एब्जॉर्प्शन का। अब बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक टर्म है आपकी, जो कि है आपकी एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। तो बेटा दोनों में प्रोनाउंसिएशन में बहुत थोड़ा सा, बहुत लिटिल डिफरेंस है। नॉर्मली आपको सुनने में दोनों टर्म एक ही लगेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी प्रोनाउंसिएशन में, यहाँ बी है और यहाँ पे डी है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। तो वो है आपका एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज एड्सॉर्प्शन, बट दोनों ही फिनोमेना में आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है बेटा, एड्सॉर्प्शन जो है आपका एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना कैसा है, यानी कि यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि एड्सॉर्प्शन जो है सरफेस पे ही ऑकर होता है, बट एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क में होता है, बल्क मतलब अंदर, जो आपका जो आपने सब्सटेंस लिया है उसके अंदर तक होता है, बट एब्जॉर्प्शन आपका सिर्फ किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे ही होता है ये फिनोमेना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल देखें बेटा, एग्जांपल से ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। सपोज ये आपका बोर्ड है, ठीक है, आपका कोई भी बोर्ड है, मैं अगर आपकी कोई टीचर है वो चॉक से बोर्ड पे लिखती है, या सपोज कर लो मैं आपका मार्कर से बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मैं मार्कर से पढ़ा रही हूँ, तो आपका क्या हुआ है, यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हुआ है या एड्सॉर्प्शन हुआ है, आप कैसे डिसाइड करोगे? एब्जॉर्प्शन आपका क्या था कि जब आपका एक सब्सटेंस कंप्लीटली एंटर हो जाता है अंदर तक, बल्क तक चला जाता है,
किसमें, दूसरे सब्सटेंस के अंदर, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाती है, वहां आपका एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या ये जो मैं चौक यहाँ जो मैं बोर्ड पे जो चौक से या मार्कर से लिख रही हूँ, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है? नहीं बेटा, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मार्कर से ये जो चीज लिखी है, ये क्या इस बोर्ड के अंदर तक चली गई है? अंदर तक जाती तो मैं इसको रब करती तो ये रब होती? नहीं होती, ठीक है। यानी कि जब मैं इसको रब करूंगी तो ये इजिली रिमूव हो जाएगा बोर्ड पर से। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, बोर्ड एक सब्सटेंस है और ये जो इंक है मार्कर की, ये दूसरा सब्सटेंस है बेटा। तो जब मैंने इससे मार्कर से बोर्ड पे लिखा है या कुछ भी ड्रॉ किया है, तो इंक जो है सिर्फ बोर्ड के सरफेस पे क्या बोलते हैं उसने लिखा, मतलब सरफेस से के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। यानी कि सरफेस के ऊपर उसका फिनोमेना हुआ है, वो बल्क के अंदर एंटर नहीं हुई, सिर्फ उसने सरफेस पे एंट्री ली है। इसीलिए हम बोर्ड पे जो है, राइटिंग ऑन बोर्ड इज अ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, वहां पे आपका एब्जॉर्प्शन हुआ है। इंक जो है सिर्फ बोर्ड के सरफेस पे ही वर्क कर रही है, अंदर तक नहीं जा रही है। तो जब भी मैं इसको रब करती हूँ, ये रब हो जाता है इजिली। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपका जो सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर बल्क तक एंट्री लेता है, ठीक है, बल्क तक अच्छे से अंदर घुस जाता है और उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बेटा यही डिफरेंस है आपका एब्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन आपका बल्क प्रोसेस है जो कि अंदर तक सब किसी भी सब्सटेंस के अंदर होता है, और एब्जॉर्प्शन आपका सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फिनोमेना है जो कि किसी भी मेटल के ऊपर या किसी सब्सटेंस के सरफेस पे होता है, ठीक है बेटा। तो जैसे हमने सॉल्यूशन में आपका पढ़ा था कि सॉल्यूशन आपके दो कंपोनेंट से बनके मिलके बनता है, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड द नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट, ऐसे ही बेटा एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसमें भी आपके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है आपका, फर्स्ट वन इज एड्सॉर्बेट आपका क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज एड्सॉर्ब, ठीक है। और दूसरा आपका कंपोनेंट होता है बेटा एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट आपका क्या होता है, द सब्सटेंस विच एब्सॉर्ब्स, विच एब्सॉर्ब्स, ठीक है बेटा। तो अगर देखो आपका जैसे सॉल्यूशन में हमने आपका दो कंपोनेंट पढ़े थे, फर्स्ट आपका सॉल्यूट था और दूसरा आपका सॉल्वेंट था, आपका क्या हो रहा था, सॉल्वेंट क्या था आपका, हमेशा मोर अमाउंट, हमेशा हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता था। सॉल्यूट आपका हमेशा लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता था। तो हम क्या करते थे वहां पे, सॉल्वेंट क्या था आपका, जिसमें आप दूसरी चीज सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है, और सॉल्यूट आपका क्या था, जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वो आपका, जिस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करना चाहते हो वो आपका सॉल्यूट था, और जिसमें डिसॉल्व करना चाहते हो वो आपका सॉल्वेंट था। तो बेटा सेम टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ पे भी है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस आ गया है कि वहां पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में, या मैं कहूँ सरफेस केमिस्ट्री में, हम एड्सॉर्बेंट यूज करेंगे और एड्सॉर्बेंट यूज करेंगे। एड्सॉर्बेंट आपका क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज एब्सॉर्ब, वो सब्सटेंस जो कि एब्सॉर्ब होगा, वो सब्सटेंस जो एब्सॉर्ब होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम एब्सॉर्ब होगा, तो यहाँ पे हम देखो ये आपका बोर्ड वाला ये एग्जाम्पल ले रहे थे एब्सॉर्प्शन का, तो बोर्ड पे आप किसको एब्सॉर्ब करवा रहे हो, किस सब्सटेंस को आप बोर्ड के सरफेस पे एब्सॉर्ब करवा रहे हो, सरफेस पे उसका क्या बोलते हैं, सरफेस पे उसकी एंट्री करवा रहे हो, बल्क में नहीं सिर्फ सरफेस पे, इंक का, यानी कि इंक जो है आपकी क्या है, एड्सॉर्बेट, ठीक है, जो चीज आपकी एड्सॉर्ब होगी वो एड्सॉर्बेट, और आपका क्या है, एड्सॉर्बेंट आपका क्या होगा, द सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब्स, और वो सब्सटेंस जो कि एड्सॉर्ब करेगा,
वो आपका एड्सॉर्ब बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एड्सॉर्ब कौन कर रहा था, इनको कौन एड्सॉर्ब कर रहा था उसके सरफेस पे, वो था आपका बोर्ड, ठीक है बेटा। तो आपका जैसे आप सॉल्यूट कर देख रहे थे कि जिस चीज को आप डिसॉल्व करते हो वो सॉल्यूट, तो ऐसे ही जिस चीज को आप एड्सॉर्ब करवाते हो सरफेस पे वो एड्सॉर्बेट, और जिस में एड्सॉर्ब करवाते हो, जिसके सरफेस पे एड्सॉर्ब करवाते हो वो एड्सॉर्बेंट, ठीक है बेटा। दोनों ही टर्म आपको याद रखनी है, ये आपका क्या है, आपका एड्सॉर्बेंट जिस पे आप एड्सॉर्प्शन करवा रहे हो, जिस सरफेस पे आप एड्सॉर्प्शन करवा रहे हो वो आपका कहलाता है एड्सॉर्बेंट, और जिसका एड्सॉर्प्शन करवा रहे हो वो आपका कहलाता है एड्सॉर्बेट, ठीक है बेटा। अब बात आती है, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, अब बात आती है बेटा कि हम एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्यों करवाते हैं, क्या रीजन है कि आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी तो हम उसको पढ़ रहे हैं, या फिर तभी वो कुछ मतलब ऑकर हो रहा है। तो क्या रीजन है एड्सॉर्प्शन के पीछे, क्यों वो होता है, किस कारण से होता है, तो वो देखते हैं। देखो तो बेटा अगर हम बात करें रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन की कि किस कारण के वजह से आपके आसपास एड्सॉर्प्शन हो रहा है, या फिर हम केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन को क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं एक बीकर में आपका कोई लिक्विड ले लेती हूँ, मैंने सपोज वाटर ले लिया, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या है, वाटर है, तो इस बीकर में मैंने क्या लिया बेटा, वाटर लिया है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इस वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स है, मतलब वाटर के बल्क के अंदर, मैं सरफेस वाटर सरफेस पे बात नहीं कर रही, मैं बल्क की बात कर रही हूं कि अंदर वाले पोर्शन में अगर वाटर के बल्क में जाके मैं देखूं वाटर पार्टिकल्स की क्या पोजिशन है, तो देखो बेटा मान लो ये आपका कोई भी वाटर पार्टिकल है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है आपका जो बल्क में प्रेजेंट है, बिल्कुल सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या है, वो यहां से भी पार्टिकल से घिरा होगा, वो यहां से भी पार्टिकल से घिरा होगा, इस साइड से भी और नीचे से भी, यानी कि वो चारों तरफ से क्या होगा, उसके पास बैलेंस फोर्स होगी, चारों तरफ क्या होगी, बैलेंस फोर्स होगी, तभी वो अपनी इस पोजीशन पे रुका हुआ है, ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल आपके बल्क में प्रेजेंट होते हैं उनके पास क्या होती है, वो क्योंकि स्टेबल होते हैं, किस कारण से स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से काउंटर आयन से, या मैं कहूं कि बैलेंस फोर्स से घिरे होते हैं, उनको एक फोर्स बैलेंस किए हुए है चारों तरफ से, इस वजह से वो क्या है, इस पोजीशन में है। तो हम कह सकते हैं यहां पे द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बल्क हैव बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो चारों तरफ से काउंटर आयंस को, या मैं कहूं कि चारों तरफ से आयंस को या फिर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे हुए बैठा है, दैट मीन्स उसके पास बैलेंस फोर्स है, चारों तरफ से वो बैलेंस है फोर्स से। नेक्स्ट अगर बात करें, क्योंकि वो बैलेंस है दैट मीन्स वो अपनी पोजिशन पे फिक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या है, स्टेबल फॉर्म में है। अगर स्टेबल फॉर्म में नहीं होता तो वो यहाँ वहां मोशन शो करता रहता और कुछ अदर स्पीशीज को खुद को बैलेंस करने के लिए या खुद को स्टेबल करने के लिए वो अदर पार्टिकल्स को ढूंढने में लगा रहता। बट क्योंकि बल्क के अंदर जो पार्टिकल है वो उनके पास बैलेंस फोर्स होती है, इसीलिए बेटा वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब कोई भी सब्सटेंस जो कि स्टेबल होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं या लेस रिएक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनके पास एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इनके पास क्या है, एनर्जी भी क्या है, लेस एनर्जी। तो ये तो बात हो गई उन पार्टिकल्स की जो कि आपके बल्क में प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, वाटर के या लिक्विड के, किसी भी लिक्विड के अंदर जो बल्क में प्रेजेंट है, चाहे यहाँ पे हो कहीं पे भी हो। अब अगर हम बात करें बेटा सरफेस पार्टिकल की, तो सपोज यहाँ पे कोई आपका यहाँ सरफेस पे एक पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये इस साइड से बैलेंस हो रहा है दूसरे पार्टिकल से, इस साइड से इसको बैलेंस कर रहा है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस साइड से आपका बैलेंस कर रहा है, बट ऊपर से इसके ऊपर, क्योंकि ये सरफेस पार्टिकल है इसलिए इसके ऊपर कोई भी ऐसा
बैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। दैट मींस ये जो पार्टिकल है जो कि आपका सरफेस पे प्रेजेंट है वो क्या है, उसके पास कैसी फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। क्यों अनबैलेंस फोर्स है? क्योंकि वो चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से घिरा हुआ नहीं है। तीन तरफ से तो है बट ऊपर इसके कुछ भी नहीं है, कोई अदर पार्टिकल नहीं है, इसीलिए इसके पास क्या होगी बेटा, जो फोर्स होगी वो क्या होगी, अनबैलेंस होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है बेटा। तो अनबैलेंस फोर्स है क्योंकि ये आपका जो पार्टिकल है, जो सरफेस पार्टिकल है या सरफेस जो मॉलिक्यूल है उसके पास अनबैलेंस फोर्स है, यानी कि क्या है, वो बैलेंस नहीं है चारों तरफ से, तो स्टेबल भी नहीं होगा, यानी कि वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल आपकी चीज, आपको पता है बेटा, अब तक आप जानते हो कि अनस्टेबल जो भी चीज होती है केमिस्ट्री में वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन ज्यादा शो करती है। क्यों? खुद को स्टेबल करने के लिए वो इधर उधर हाथ पैर मारती रहती है कि उसको कोई ऐसा आयन या ऐसा पार्टिकल मिले जिससे, जिसको वो अट्रैक्ट करके, जिसको वो अपने पास खींच के खुद स्टेबल बन सके। क्योंकि इस यूनिवर्स में, केमिस्ट्री की ही बात नहीं, इस यूनिवर्स में हर एक ऑर्गेनिज्म स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो जब आपका ये जो पार्टिकल है, सरफेस पे जो पार्टिकल है जो कि अनबैलेंस फोर्स से घिरा हुआ है, वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो ज्यादा रिएक्टिव होगा दैट मींस उसके पास एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके पास एनर्जी क्या होगी, मोर एनर्जी। ये तो बात हुई बेटा एक सब्सटेंस की, हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे थे। बट अगर मैं वाटर के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस मिला देती हूँ, ठीक है, या मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे कोई और दूसरा पार्टिकल ले आती हूँ इसके सरफेस के ऊपर, तो आपका क्या होगा, क्योंकि ये सरफेस पे जो पार्टिकल है वो क्या है बेटा, अनबैलेंस फोर्स से घिरा हुआ, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब मोर रिएक्टिव है, तो वो क्या कोशिश करेगा, इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खुद स्टेबल होना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, और जैसे ही आपके सरफेस पार्टिकल अदर आने वाले पार्टिकल्स को, सरफेस पे जो पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस पे के, सरफेस पे जो पार्टिकल है जब वो किसी और पार्टिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वहां पे ही आपका होता है एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स जो सरफेस पार्टिकल्स की है उसको बैलेंस करने के लिए सरफेस पार्टिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं, यानी कि उनके सरफेस पे जो भी पार्टिकल आपका आता है उसको अट्रैक्ट करते हैं और अपनी अनबैलेंस फोर्स को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आफ्टर अट्रैक्शन, या मैं कहूं आफ्टर एड्सॉर्प्शन, जब आपका एड्सॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि जब आपके ये पार्टिकल, ये जो सरफेस पार्टिकल है इस अदर सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे ही वो अदर पार्टिकल इसके सरफेस पे आया वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद आपके जो सरफेस मॉलिक्यूल हो गए हैं बेटा उनमें क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन हो गया। तो एड्सॉर्प्शन के बाद आपका क्या हो गया, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, बैलेंस फोर्स में। अनस्टेबल जो मॉलिक्यूल था सरफेस मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, हो जाएगा स्टेबल में, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और लेस रिएक्टिव होगा दैट मींस उसकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, लेस एनर्जी। अब ये लेस एनर्जी कैसे होती है, ठीक है बेटा, तो वो समझो आप कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी दो पार्टिकल में जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहां पे आपका क्या होता है, एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है, एनर्जी इवॉल्व आउट होती है। तो जब भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब भी ये सरफेस पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, खुद बैलेंस होने के लिए, अपनी अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, साथ के साथ खुद स्टेबल होने के लिए, तो वो क्या करेगा, जैसे ही अट्रैक्ट करता है कोई भी पार्टिकल, जब दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि हम कह सकते हैं कि एड्सॉर्ब
एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में आपका क्या होता है, हीट इवॉल्व आउट हो रही है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वहां पे हीट इवॉल्व आउट होती है या एनर्जी इवॉल्व आउट होती है। क्यों इवॉल्व आउट होती है, क्योंकि ये सरफेस पार्टिकल अपने अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए दूसरे सरफेस पे आने वाले पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी जो होती है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से सरफेस पार्टिकल स्टेबल हो गए हैं, तो स्टेबल होते ही वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स व्हाई योर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज ऑलवेज known as exothermic phenomena, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि absorption process जो है वो exothermic process है। तो अगर हम बात करें बेटा डेल्टा एच की, heat of reaction की बात करें, तो इस reaction में आपकी क्या हो रही है, absorption के time आपकी हीट इवॉल्व आउट हो रही है, यानी एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है। दैट मीन्स डेल्टा एच absorption की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्यों होता है, क्यों टेक प्लेस हो रहा है, क्योंकि आपके जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वो अपने इन ऑर्डर टू बैलेंस देयर अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अनबैलेंस फोर्स, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है। जो सरफेस पार्टिकल है वो अपने अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए, बैलेंस फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपकी क्या रीजन है एब्जॉर्प्शन होने का, या फिर हम कह सकते हैं मैकेनिज्म हो गया है एब्जॉर्प्शन का। अब अगर बात करें, हमने दो प्रोसेस आज पढ़ लिए हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखो बेटा, तो बेटा अगर डिफरेंस की बात करें कि एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आपका एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो एक बल्क फिनोमना है, बल्क फिनोमनन है। क्यों बल्क फिनोमना है, आपने देखा कि एड्सॉर्प्शन में आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में आपका क्या हो रहा है कि आपका जो एब्जॉर्बेट है वो पूरे अंदर तक घुस रहा है एब्जॉर्बेट में, ठीक है। तो अगर बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन आपका सरफेस फिनोमना है, क्योंकि अभी हमने देख लिया क्यों सरफेस फिनोमना है आपका, क्योंकि आपके जो एब्जॉर्बेट होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, एब्जॉर्बेट के सरफेस के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फिनोमना है, क्योंकि आपका क्या होता है, इसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर तक घुस जाता है, जैसे हमने स्पंज और वाटर का एग्जांपल लिया था, बट आपका एब्जॉर्प्शन आपका एक सरफेस फिनोमना है। अब अगर दूसरी बात करें बेटा, तो अभी हमने देखा कि आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वो इन ऑर्डर टू बैलेंस देयर अनबैलेंस फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल जैसे ही इनके सरफेस पे आते हैं ये उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं खुद को बैलेंस करने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए, और वहां आपकी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। बट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो ना ही तो एक्सोथर्मिक होता है ना ही एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्या कभी आपने देखा है कि आपने जब स्पंज का टुकड़ा वाटर में डाला तो थोड़ी देर बाद आपका वाटर गर्म हो गया, ठीक है, कभी देखा है, नहीं, क्योंकि उसमें आपकी ना ही तो एक्सोथर्मिक होती है ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें डायरेक्टली आपका क्या होता है, जो स्पंज में जो स्पेस होती है आपकी, स्पंज में जो आपके स्पेस है, स्पंज के पीस में जो स्पेस है, उन स्पेस में आपका वाटर हो या अदर सब्सटेंस हो वो डायरेक्टली उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस स्पेस में जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस सिंपली क्या होता है, आपका सोखना होता है, उसमें ना ही तो एंडोथर्मिक है वो, ना ही एक्सोथर्मिक, ना ही एनर्जी रिलीज होती है, ना ही एनर्जी इवॉल्व आउट होती है, ना ही आप एनर्जी उसको सप्लाई करते हो एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों है वो अभी हम देख चुके हैं,
नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इसमें आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हमने देखा कि पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्जॉर्बेट, ठीक है, इसमें जो आपके एब्जॉर्बेट है ठीक है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि वाटर ऐसा नहीं है कि स्पंज में वाटर कहीं ज्यादा कहीं कम प्रेजेंट, नहीं, वो डायरेक्टली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से घुस जाता है, धीरे धीरे सोखने लग जाता है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है एब्जॉर्बेट की। बट एब्जॉर्प्शन में बेटा आपका क्या होता है, बल्क फिनोमेना नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कहाँ होगी, सिर्फ सरफेस पे होगी, बल्क में अंदर आपका क्या बोलते हैं सब्सटेंस के अंदर आपका पार्टिकल या एब्जॉर्बेट एंटर नहीं करेगा, दैट मींस यहाँ पे आपका क्या है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट जो है वो क्या करता है, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे ही रुक जाता है, सरफेस पे ही अटैच हो जाता है, बल्क में एंटर नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में, या फिर आप कह सकते हो कि हायर कंसंट्रेशन होती है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट एट सरफेस एंड लोअर कंसंट्रेशन इन द बल्क, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें बेटा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, कि आपका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है यानी कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर घुस रहा है या एंट्री ले रहा है वो किस रेट से किस स्पीड से ले रहा है, तो बेटा जो आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसका जो रेट है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक जैसा ही रहता है, धीरे धीरे मतलब सोख रहा है सोख रहा है सोख रहा है, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत जल्दी सोख रहा है फिर धीरे धीरे, नहीं, उसका जो रेट होता है एब्जॉर्प्शन का वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा था बाद में कम होगा, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, थ्रू आउट द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना आपका जो रेट होगा एब्जॉर्प्शन का वो यूनिफॉर्म ही रहेगा। बट अगर बात करें एब्जॉर्प्शन की बेटा, तो एब्जॉर्प्शन आपका कैसे होता है, मान लो आपने ये कोई सब्सटेंस लिया है और इसका सरफेस आपका ये है, ठीक है, तो जब आप दूसरे सब्सटेंस को लाते हो इसके सरफेस पे तो सरफेस के ऊपर ऐसे आपके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं दूसरा सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि अब जब आपका स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गई, जो सरफेस था वो पूरा फिल हो गया है दूसरे सब्सटेंस से आपके पूरे सरफेस को, या मैं कहूँ एब्जॉर्बेट ने आपके पूरे सरफेस को कवर कर लिया है, तो अब जो आपका नेक्स्ट अगर आप एब्जॉर्बेट ला रहे हो तो वो क्या होगा, क्या वो इस सरफेस पे इतना टिक पाएगा जितना रेट इसका था, जिस रेट से ये यहाँ आपका एब्जॉर्बेट डिपॉजिट हुआ है सरफेस पे, क्या दूसरा डिपॉजिट होगा, नहीं, तो हम कह सकते हैं कि आपके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में बिगनिंग में रेट इज रैपिड, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रैपिड एंड falls down as the surface of adsorbent is occupied, ठीक है, कि जैसे ही surface आपका occupy होता है adsorbent का, एब्जॉर्बेट जो है धीरे धीरे अपना रेट ऑफ डिपोजिशन धीरे धीरे कम करता जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में आपका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म होता है, क्या बोलते हैं आपके जो एक सब्सटेंस या मैं कहूँ एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं सेम स्पीड से ही एंटर कर रहा है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में बहुत फास्टली एंटर करता है और फिर धीरे धीरे स्लो होता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि आपका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो बल्क फिनोमेना है, यानी कि सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, एब्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया
ठीक है। बट यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा मैं इसका एक पॉइंट ऊपर, बट ये क्या है, डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन आपका सरफेस फिनोमेना है तो ये आपका क्या करेगा, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपकी एड्सॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आपका एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आके डिपॉजिट होता रहेगा, जितना कम होगा उतनी ही एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कम होगी। बट यहाँ पे अगर बात करें, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक बल्क फिनोमेना है, बल्क में जाके ये फिनोमेना अकर होता है, तो इसका सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके हो गए डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।